गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को पूरे दिन दो कार्यक्रम में मौजूद रहे। गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि अब बदमाशों की खैर नहीं। जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा हुई और चंद घंटों बाद ही इसका असर गाजियाबाद में दिखाई दिया। थाना कविनगर इलाके की बापूधाम कॉलोनी में क्राइम ब्रांच और कविनगर पुलिस की एक इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कविनगर के बापूधाम क्षेत्र में आज शाम एक अपराधी एक सेंडर फायर के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने बताया अपना नाम रोहतास। जब जानकारी की गई तो पता चला ये थाना मुरादनगर में डकैती और रेप के मुकदमे में वांछित था। इस पूरे मामले में एसपी सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि गाजियाबाद की थाना कविनगर और क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि बापूधाम इलाके से एक 50,000 का इनामी नौशाद बंजारा निकलने वाला है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। अचानक ही एक बाइक पर सवार दो लोग आते दिखाई दिए जिन्हें पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो पुलिस को देखकर मौके से भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर पीछा करने के बाद पुलिस ने नौशाद बंजारा को घेर लिया। जैसे ही नौशाद बंजारा ने अपने आप को घिरा हुआ देखा, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जिसमें विपिन नाम के दारोगा को गोली लगी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो नौशाद बंजारा को भी गोली लगी, जबकि दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया। दोनों को ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक नौशाद बंजारा पर 50,000 का इनाम घोषित है। वो हाल ही में कई आपराधिक घटनाओं में भी शामिल पाया गया है। फिलहाल पुलिस नौशाद बंजारा का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है और उसके दूसरे साथी की तलाश जारी है, जिसे पुलिस अधिकारियों के अनुसार जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।